गुड मॉर्निंग गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव और आज के इस व्लॉग में भी इस वीडियो में मैं आपको सैर कराऊंगा पूरे किसान पथ की, जिसकी लंबाई तकरीबन 105 किलोमीटर है। तो आज के इस बाइक राइड में हमारे साथ हैं हमारे दोस्त सुबिन, ये बाइक चलाने वाले हैं और आज हम लोग पूरा ये हाईवे जो है किसान पथ का वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कितना बना और कितना अभी बनना बाकी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम रुके हैं खुरदही ओवर ब्रिज के ऊपर। नीचे रेलवे लाइन है दोस्तों और ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। तो इसका जो हम जब डलौना की तरफ से आएंगे तो जो दाहिने हाथ वाला ब्रिज है वो बनके तैयार हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी बाएं हाथ वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेरे पीछे देखिए अभी बाईं साइड वाला बन रहा है। तो कभी आप आइए अगर डलौना की तरफ से तो राइट साइड वाले पुल से आइए, और बाएं साइड से आएंगे तो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी वो बन रहा है। तो चलिए आगे का और देखते हैं कौन सा बना है पुल, कौन सा अभी बाकी। गाइस, जब हम खुरदही से पुल क्रॉस करके उसके बाद इंदिरा नहर पे जो पुल बना है उसको क्रॉस करके जब नीचे उतरेंगे इंदिरा नहर के साइड वाली रोड पे, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये पूरा बंद रखा है, यहाँ से आप उतर नहीं पाओगे। तो आप खुरदही से ही आप रोड चेंज कर लो, आपको लेफ्ट साइड वाली रोड पे हो जाना है ताकि आप आगे तक जा सको। यहाँ पे इन लोगों ने इंदिरा नहर के जस्ट बगल में जो उतर ढलान है वहाँ पे इन लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सीतापुर रोड, और मेरे ठीक पीछे आप जो पुल देख रहे हैं ये दोस्तों सीतापुर रोड के ऊपर बन रहा है, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है इसमें, अभी पूरी तरीके से पुल बना नहीं हो। मेरे पीछे देखिए ये भी अधूरा पुल है। तो चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि अभी कौन सा पुल बना है और कौन सा बकाया है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं दोस्तों चंद्रिका देवी रोड पर बने पुल पर, तो जिसका काम अभी लगभग कंप्लीट होने वाला ही है, यानी कि अभी कुछ काम इसका बचा हुआ है, काम चल रहा है। फिलहाल आपकी गाड़ी उस पार से इस पार पुल के नहीं आ सकती। तो चलते हैं, देखते हैं आगे की और रोड कितनी बनी है। मेरे ठीक पीछे दोस्तों गोमती नदी, तो चंद्रिका देवी रोड से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक पुल पड़ेगा जो कि गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये अभी पुल पूरा मतलब कि पूरी तरीके से बना नहीं है, इसका काम अभी अधूरा, एक दो महीने और लग जाएंगे इस पुल के कंप्लीट होने में। तो पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोग नाव पर रख के अपनी गाड़ियाँ क्रॉस करते हैं और इस पुल से उस पार जाते हैं। अभी कुछ महीनों में ये पुल बनके तैयार हो जाएगा। तो चलो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं, नाव के ऊपर। ये देखिए हमारे पीछे गाड़ी खड़ी, तो ये मेरा दोस्त अभी नाव इस पार से उस पार कराएगी। आधी पहले ये मैं बढ़ाओ, आगे ये अब आगे तुम बढ़ाओ, रुको जाओ जरा, अब उसे बढ़ो तुम, चलो यार। अभी हम लोगों ने ये पूरी नदी क्रॉस कर ली है, अब आगे की रोड आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, और नदी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक और पुल पीछे पड़ता है मेरे पीछे।
कुछ ऐसा व्यू है इस काकोरी वाले पुल का। अभी यहाँ पे मिट्टी पटाई का ही काम चल रहा है। देखिए अभी यहाँ पे ट्रकों से मिट्टी लाई जा रही है और इस पुल की ढलैया को बनाया जा रहा है। और इस तरफ आगरा एक्सप्रेसवे है, देखेंगे उसका पुल अभी इन लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया। दोस्तों मेरे ठीक पीछे है आगरा एक्सप्रेसवे, तो इसका जो ऊपर जो पुल ये बन रहा है तो ये अभी भी अधूरा है। पिछले साल जब मैं सफाई की यात्रा में गया था तब भी ये पुल ऐसे ही बना हुआ था और ठीक एक साल बाद मैं आया हूँ तो अभी भी ये पुल बन ही रहा है। तो यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करूँगा क्योंकि इसके बाद जो सर्विस रोड है उसका भी काम भी बाकी है, वो सर्विस रोड भी नहीं बनी है तो हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।